फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बायोटिक का फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। ये फेस पैक जो है वो बायोटिक ब्रांड का है, आप देख सकते हैं। और ये एडवांस आयुर्वेदा वाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक है। ऑल स्किन टाइप है ये, और इसका प्राइस जो है वो 199 रुपीज़ है, बट ये मुझे डिस्काउंट पे जो है वो 119 रुपीज़ का मिला है। मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है जब सेल चल रहा था। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। इसकी क्वांटिटी जो है वो 75 ग्राम्स है। नॉर्मल पैकेजिंग है, जैसा कि आपको बायोटिक के सभी प्रोडक्ट की पैकेजिंग आती है, कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग है इसकी। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मुल्तानी मिट्टी पाउडर है इसके अंदर, और इसके अंदर टमाटो जूस है, इसके अंदर पाइनएप्पल जूस है, इसके अंदर जो है वो बुलबुल गोंद है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके जो है ये फेस पैक तैयार हुई है। और ये जो फेस पैक है ये दावा करती है कि आपकी स्किन से जो है वो टैन को रिमूव करेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे माउथ के अराउंड में जो है वो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस फेस पैक को जो है वो ट्राई करना चाहिए। इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है, बिकॉज़ मैंने इससे भी काफ़ी कॉस्टली फेस पैक वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं। अगर मैं O3 की बात करूँ तो वो थोड़ा सा ब्लीच वाला फेस पैक था, तो वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। तो उसके मुकाबले ये मुझे जो है वो काफ़ी सस्ता लगा। तो ये वाला फेस पैक जो है वो टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बायोटिक ब्रांड जो है वो हम सभी जानते हैं कि केमिकल जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और आप चाहो तो इस पैक के ऊपर लिखा हुआ है कि आप इसे डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं ऐसा कहूँगी कि आप अल्टरनेट डेज पे इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर है। और 75 ग्राम्स का ये पैकेट है, सिर्फ और सिर्फ आपको 119 रुपये में मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको DIY पैक बनाने में जो है वो मेहनत लगती है, तो आप कई बार आलस कर जाते हो, बट जब आपके पास इस टाइप का रेडीमेड पैकेट होगा जो आप डायरेक्ट ओपन करके और आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप बिल्कुल भी आलस नहीं करोगे और फेस पैक जो है वो इस्तेमाल करोगे। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये इस टाइप के जार में आता है। और फ्रेंड्स, ये जो है वो 3 साल इसकी सेल्फ़ लाइफ है। तो कोई भी फेस पैक की जो है वो 3 साल सेल्फ़ लाइफ होनी बहुत बड़ी बात है, कि छोटा सा डब्बा है तो 3 साल तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, 2-3 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप वीक में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल करते हो तो। बट हाँ, 3 साल अगर सेल्फ़ लाइफ है तो बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार हम रख के चीज़ें भूल भी जाते हैं इस्तेमाल करना, तो उस केस में ये लंबा चलेगा और हमारा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा पिंकिश कलर में मिलेगा आपको, टमाटर का जूस इसके अंदर मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर मिली हुई है। तो कलर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है देख के। और ये ना थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब क्रीमी लग रहा है देखने में। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बताने का मोटिव मेरा यही है कि ये काफ़ी सस्ता है, काफ़ी अफोर्डेबल मिलता है आपको, क्योंकि और भी मार्केट के जो फेस पैक है वो काफ़ी महंगे महंगे मिलते हैं और DIY बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये फेस पैक जो है वो टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है। 100 रुपये 119 रुपये में आपको ये पूरा जार मिलता है, और आप इसे डेली चाहो तो डेली यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेट डेज पे चाहो तो अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हो। बायोटिक ब्रांड जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में जो है वो केमिकल की बहुत कम इस्तेमाल करती है, तो ये भी चीज़ जो है आप लोगों के स्किन के लिए जो है वो बहुत अच्छी है। और बजट में है ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको 119 रुपये में जो है वो इतना सारा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। वैसे भी आप डेली कुछ ना कुछ अपने स्किन पे इस्तेमाल करते ही हो, और जिन लोगों को भी जो है वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सन मतलब टैनिंग की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो है वो इस टाइप का जो फेस पैक है वो काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, जस्ट ये लिपस्टिक लगी हुई है। आप देख सकते हो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। अभी मैंने 2 मिनट पहले जो है वो अपना फेस वॉश किया था, तो मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन है। तो चलिए अब इस फेस पैक को जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। इस फेस पैक को अप्लाई करके आपको 15 से 20 मिनट तक रखना है, और उसके बाद नॉर्मली पानी से इसको वॉश कर लेना है सूखने के बाद।
फ्रेंड्स आप देख सकते हो फेस मास्क को जो है वो मैंने अपने स्किन पे अप्लाई कर लिया है। मेरी स्किन में जो है वो थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है अभी जितनी देर मैंने लगाया है, बट हाँ जैसे ही लग गया है तो अब धीरे धीरे जो है वो जलन कम होती जा रही है मेरी स्किन पे से। तो फ्रेंड्स मेरी स्किन में जो है वो थोड़ी बहुत जलन हो रही है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये पैक जो है वो टैन रिमूवल पैक है, आपकी स्किन को जो है वो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, तो इसके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत ब्लीच भी होगा। अब धीरे धीरे जो है वो बर्निंग जो है वो कम होती जा रही है। जैसे आप स्टार्टिंग में अगर आपने ब्लीच वगैरह कभी करवाया होगा तो स्टार्टिंग में जैसे आपकी स्किन में बर्निंग होती है वैसा ही हो रहा है। तो धीरे धीरे जब आप ब्लीच कराना मतलब स्टार्ट कर देते हो, दो चार बार करा लेते हो तो वो कम हो जाता है। अब मुझे बिल्कुल भी जो है वो बर्निंग नहीं होता है ब्लीच कराने से, बट ये फेस पैक लगाने से जो है वो थोड़ा बहुत मुझे जलन हो रहा है स्किन के ऊपर। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहता है। लगाने में जो है ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्रीमी टेक्सचर है, बहुत अच्छे से आपके स्किन पे जो है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है। मेरे माउथ के अराउंड जो है वो थोड़ा सा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। मुझे जलन हो रही थी तो मैंने आँखों के आसपास बिल्कुल भी नहीं लगाया है, तो आप भी मत लगाइएगा। अगर आपकी स्किन पे थोड़ी सी भी जलन हो रही है तो अपने आँखों से बचाकर इसको लगाइएगा। तो इसको 15 से 20 मिनट तक रखना है। आप ऐसे नॉर्मल बैठ भी सकते हो या फिर आप चाहो तो कुछ काम कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो चलिए मिलते हैं 15-20 मिनट बाद, जब ये फेस मास्क पूरी तरीके से सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसको वॉश करके जो है इसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एक बार फेस मास्क इस्तेमाल करने से जो है वो स्किन बिल्कुल जो है वो चेंज तो नहीं हो जाएगी, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ज़रूर देखने को मिलेगा, और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस फेस मास्क के साथ में कैसा रहा। बिकॉज इसका प्राइस बहुत ही कम है और बायोटिक ब्रांड का प्रोडक्ट है, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। केमिकल जो है वो बायोटिक ब्रांड बहुत कम इस्तेमाल करती हैं, तो इस प्रोडक्ट से जो है मेरी उम्मीदें भी थोड़ी ज़्यादा हैं। तो देखते हैं ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा साबित होता है। तो आप देख सकते हो फेस पैक जो है वो मेरा ड्राई हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से फेस वॉश करने के बाद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एक बार के इस्तेमाल से जो है वो आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, क्लीन कर देता है, बट हाँ अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली आपको पिगमेंटेशन को रिमूव करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरी स्किन जो है वो डीपली क्लीन हो गई है, मेरी स्किन से ऑयल जो जितना भी ऑयल था वो निकल गया है, और अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूँ तो मेरी स्किन जो है वो पहले से लाइट लग रही है। हाँ थोड़े टाइम बाद जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, बट हाँ अभी जो है इंस्टेंटली मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस फील हुआ है अपनी स्किन में। तो फ्रेंड्स ये जो फेस पैक है मैं डेफिनेटली जो है वो लंबे समय तक ट्राई करने वाली हूँ, और आने वाले टाइम में जब मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं वो भी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बिकॉज मुझे ये फेस मास्क जो है वो काफ़ी पसंद आया, और मैंने पहले भी जो है वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी सारे फेस मास्क ट्राई किए हैं। अगर मैं O3 का फेस मास्क की बात करूँ, जो ब्लीच वाला फेस मास्क आता है, वो 1300 रुपये का जार आता है जिसके अंदर 350 ग्राम्स क्वांटिटी होती है, तो आप सोच सकते हो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो अगर उस केस में हम इस प्रोडक्ट को अगर कंपेयर करें उस प्रोडक्ट से, जो रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। वो वाला प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा ड्राई कर देती है जैसे ही आप प्रोडक्ट को अपने फेस से रिमूव करते हो। ये जो है वो ऑल स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट है, तो ये जो है वो नॉर्मल रखती है आपकी स्किन को, एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करती है। बट पिगमेंटेशन के रिज़ल्ट में जो है वो सेम ही डिफरेंस मुझे देखने को मिला। जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी चीप लगा मुझे उस प्रोडक्ट के मुकाबले में, क्योंकि अगर 350 ग्राम का भी ये पैक ख़रीदा जाए तो आपको 500 से 600 रुपये में मिल जाएगा, बट वो पैक मुझे 1300 रुपये में मिला था। तो वो पैक अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर तो नहीं है मेरे मतलब अहमदाबाद वाले घर पर रखा हुआ है। तो एक बार मैं ज़रूर इन दोनों प्रोडक्ट का जो है वो कंपेयर वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हाफ पेज पे जो है वो बायोटिक का प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, और हाफ पेज जो है वो O3 का प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, और तब मैं आपको डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। बिल्कुल सेम ही रिज़ल्ट आपको फर्स्ट टाइम के एप्लीकेशन से मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, आज का रिव्यू और आज का प्रोडक्ट आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे लोग जो है मेरी इंस्टा आईडी मांग रहे थे, तो आप लोगों को इंस्टा आईडी भी जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय।